रिएक्शन स्क्वाड। मेरा नाम है हमारूज। मेरा नाम आरशद बेग। आज की हमारी वीडियो होने वाली है अगेन एंड अगेन एंड अगेन आकाश गुप्ता। तो भाई ये हमें वीडियोस जो है ना, हमारे इतने प्यारे व्यूअर्स, हमारे इतने प्यारे सब्सक्राइबर्स जो है ना, हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी सजेशन अच्छे अच्छे और मजेदार वीडियो की हमें करते हैं यार। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहे और अच्छी अच्छी वीडियो हमें कमेंट्स में लाजमी बताते रहे डॉग्स के ऊपर। और मैं देखना चाहती हूँ आकाश गुप्ता और क्या एक्टिंग होने वाली है यार। कॉमेडी तो वो करेगा डेफिनेटली, लेकिन एक्टिंग क्या होने वाली है, लेकिन वो उसके हम शौकीन हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। बिल्कुल, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू। आए मजे मजे। मैं ना लाइफ में बहुत चीजों से फटती है, जिसमें से एक कुत्ते। कुत्तों से बहुत डर लगता है मुझे, पर मुझे ना कुत्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होगी है। अच्छा। कि हमारी बनने नहीं वाली तो तू अपने स्पेस में रह, मैं अपने स्पेस में रहता हूँ। ये प्रॉब्लम है कुत्ते पालने वाले लोगों से, क्योंकि ये मानना ही नहीं चाहते कि किसी इंसान को कुत्ते से भी डर लग सकता है। ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते यार। और क्योंकि ये जब कुत्ता पालते हैं, इनका तो उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है ना, ये हमारे घर का हिस्सा है। खबरदार इसे कुत्ता बुलाया, मेरे जिगर का टुकड़ा है। हमारे तीन बच्चे हैं, राहुल, अक्षय, शैम्पू। मैं ठीक है, आपका बच्चा, आप खुश रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम होती है जब ये मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इनके इस रिश्ते को समझूं और शैम्पू के परिवार का हिस्सा भी बन जाऊं, जो मैं नहीं बनना चाहता। मेरी मासी है, उनके पास है ये शैम्पू। तो मैं जब भी उनके घर जाता हूँ ना, वो कुत्ते को मेरा कजन बताता है। मैं अंदर घुस रहा हूँ और कुत्ते से अजीब तरीके से बातें कर रही है। शैम्पू, आकाश भैया आए हैं आपके ब्रदर। भैया को शैम्पू, शैम्पू मामा गेटिंग एंग्री, शैम्पू। और शैम्पू वहां बैठा हुआ कह रहा है, मैं कुतिया हूँ, चूतिया नहीं। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। नॉर्मली बात करो, बाकी बेटों के साथ कर रहे हो आप ये सब। यार वो प्यार में अंधी है उसके यार। उस दिन कहती, शैम्पू जाओ आकाश भैया को घुमा लो। आकाश जाओ शैम्पू को घुमा लाओ, नहीं शैम्पू कान को घुमा के लाओ। और मैं इस पे भी जज नहीं करता उन्हें यार, पर एक लेवल पे इनका प्यार इतना अंधा हो जाता है कि ये अपने कुत्ते की कोई गलती ही नहीं मान सकते। ये एकदम ही डिनाइल में चले जाते हैं। आप कभी भी इनको जाके बोल दो कि आपका कुत्ता मुझे तंग किया, कौन, हमारा कुत्ता है। हमारे डॉगी किसी को कुछ नहीं कहते। मुझे तो लगता है तुमने ही कुछ किया। वो तुम पे ब्लेम डाल देते हैं यार। मेरी कॉलोनी में भी ऐसे लोग हैं, वो ना रात को 12 बजे कुत्तों को पॉटी कराने निकलते हैं सड़कों पे। 250 ग्राम का बंदा और 250 किलो का कुत्ता घुमा रहा है। कुत्ता हाथ से छूट रहा, नहीं संभल रहा है। वो पट्टे को भी ना मांझे की तरह हाथ में 4 बार ले रहा है ऐसे। पर मानेंगे नहीं, नहीं बेटे कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा, कुछ कह ही नहीं रहा बेटा आपको। हाँ आंटी, आपको देख के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और जो चिकन उसे डाल रहे हो, पहले खुद खाओ। आपको ज्यादा जरूरत है। फिर मुझे ब्लेम करिए, तुम डरा रहे हो उसे। तुम खड़े रहो, कुछ नहीं, तुम खड़े। मेरी निकर फाड़ दी उसने और वो मैं जींस के अंदर पहन के आया था। आप मुझे बताइए मैं कब डर सकता हूँ। लोग मानने नहीं चाहते कि कुत्तों से डरना एक लेजिट डर है। और आप देखो मार्केट में बाकी फोबियास को कितनी इज्जत मिल रही है। कोई एक पार्टी में बोल दे, एक्चुअली मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। ओह रियली, यू नो व्हाट, लेट्स टेक द स्टेयर्स। लिफ्ट में आपको थोड़ा फील होगा। और हमने ऊबर बुला लिया, हम अंदर बैठेंगे, तुम्हें कैरियर पे बांधेंगे। खुले खुले जाओ ना, आपका वॉशरूम भी बहुत छोटा था, हॉल में मुद्दो मेरे। क्या प्रॉब्लम है तो। और यही मैं किसी को जाके बोल दूं कि यार मुझे भी है कुत्तोफोबिया। सिंपथी, इज्जत छोड़ो, लोग जज करते हैं यार। आकाश, हाउ इनसेंसिटिव, हाउ कैन यू नॉट लाइक डॉग्स। मैं कहा इसका आंसर मेरे पिछवाड़े पे है। काफी लंबा आंसर, 8 मार्क्स का विद डायग्राम। मैं आंटी, इतना गहरा आंसर था कि आज की डेट में मेरे 2 एस होल्स हैं।
देखना चाहेंगे आप आंसर है? तो इस पे कम बैक होता है तो क्या हुआ, काटा ही तो है, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इसके आगे भी कुछ होता है क्या? क्या बेटे आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो? हमारा कुत्ता हमें 7 बार काट चुका है। मैं कहता हूँ रखा क्या हुआ है? वफादार वो है कि तुम हो? मजेदार। ये कैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में जी रहे हो? जस्ट ग्रो अप एंड मूव ऑन। जाओ सड़क पे और कुत्तों से मिलो। और कुत्तों से मिलो, लाइन देख रहे हैं। तो इसलिए मैंने रियलाइज किया मैं इनसे आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकता हूँ। तो मैं ऐसी जगहों पे नहीं जाता जहाँ कुत्ते होते हैं, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं यार कोई मेरे लिए अपने कुत्ते को बांध दे या उसको रूम में बंद कर दे। पर फिर यही लोग इंसिस्ट करते हैं मुझे कि अरे काम ना, मेरी माँ से हमेशा अरे काम, ही विल डू नथिंग, ट्रस्ट मी ही विल डू नथिंग, ट्रस्ट मी। तो मैं उनके ट्रस्ट पे चला जाता हूँ, मुझे लगता है नथिंग होगा। मैं दरवाजा खोलता हूँ, घुसी जा रहा मेरे अंदर यहाँ, मैं काटा और अगर खड़े रहो कुछ नहीं होगा, गिव इट सम टाइम, खड़े रहो, गिव इट सम टाइम। वो उसे नहीं रोक रही, मुझे रोक रही है, मुझे पकड़ रही है। ये कैसा अब्यूज हो रहा है मेरे साथ? मैं तुम्हारे घर घुस के तुम्हारा कुत्ता जबरदस्ती चाटने लग जाऊं। तुम मुझे रोकोगे ना? या तुम उसे पकड़ लोगे? शैम्पू बैठे रहे हो, काश भैया चाट रहे हैं। शैम्पू भैया को चाटने दो, शैम्पू चाटो। वो पौड़ी घड़ी में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, प्यार है इसका। मैं कहा माँ से मेरी छाती छील दिया उसने। ये कैसा वाइल्ड लवर है शैम्पू। और प्यार प्यार लोग बोलते हैं, मैं उनको यार मत करो यार, YouTube पे लोगों लगता है हमने पैसे लेके बिठाया हुआ है तुम्हें। जो ये वीडियो देख रहे हैं सच में हंस रही है, मैंने प्लांट नहीं किया है इसको। एक कैमरा इनके मुंह पे मारे प्लीज। और प्यार प्यार लोग बोलते हैं, मैं कहा मासी प्यार आपके लिए क्योंकि वो आपका कुत्ता है। मुझे तो डर लगता है ना यार, ऐसे तो आप मेरे घर आओ, मैंने अजगर पाल के रखा हुआ है। नहीं मैं भी खुला छोड़ दूंगा, जा मासी पे बैठे। अरे क्या हुआ मासी, डंकी तो मार रहा, प्यार है। घोट घोट, अच्छा से घोट मासी को। सुन कर देंगे प्यार से मासी की गर्दन आज, अजगूस दे देंगे मासी को। क्या वो मासी थोड़ा जहरी तो है, बाद में शैम्पू चूस लेगा। बदला ना, अमेजिंग यार। ओह माय गुडनेस, ये जो मिथ है ना जिन्होंने पाले होते हैं कुत्ते, उनकी ये उनका है, ये चीजें हाँ, नहीं डेफिनेटली उनको लगता है ये हाँ, आपको डर लगता है? हाँ मुझे बहुत लगता है, मुझे भी बहुत लगता है। इवन जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे होते हैं ना, पेट्स की तरह होते हैं, वो थोड़ा क्यूट लग रहे होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं भाई, लेकिन जिन्होंने घरों में पाले हैं पकड़ा नहीं जा रहा भाई, वो सही है। मैं तो नहीं, ये तो कुछ कर रहा है यार, इसकी एक्टिंग इस बंदे की, आकाश गुप्ता की एक एक चीज जो कि आपने हमारे साथ देखी है इस वीडियो में, और आपने देखा है कितनी अमेजिंग है, बताने की होती है, बल्कि आपने बताना है इस वीडियो में आपको ऐसा कौन सा इसका पार्ट था आकाश गुप्ता का जो आपको मजे का लगा। बिल्कुल, खैर हमें तो बहुत मजा आया इस वीडियो में, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर लाजमी करिएगा। ओके, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।